हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है उसका सेकंड चैप्टर का है। उससे भी 20 सवाल है, इससे और भी सवाल होंगे, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो पहला सवाल है, फ्लावरिंग प्लांट का एम्ब्रियो होता है, यानी कि एम्ब्रियो जो है वह किस नेचर का होता है? हैप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड होता है या टेट्राप्लोइडी होता है? तो एम्ब्रियो जो है वह हमेशा डिप्लोइड होता है। ठीक। दूसरा सवाल है, जायगोट का निर्माण किसके अंदर होता है? तो जायगोट जो है वह फीमेल किसके अंदर होता है जायगोट का निर्माण? तो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर जायगोट का निर्माण होता है। तीसरा है, माइक्रोस्पोर होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर क्या होता है? तो माइक्रोस्पोर जो है मेल गेमिट यानी कि पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम होता है। चौथा सवाल है, इम्ब्रियो सैक में होता है, यानी कि इम्ब्रियो सैक में कितने एग सेल होते हैं? तो इम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल पाया जाता है, एक इम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल पाया जाता है। कहता है, पांचवा सवाल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप होता है, यानी कि प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल डेवलप होकर के क्या बनाता है? तो ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बनाता है। फ्रूट किसका मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि प्लांट के किस पार्ट के का डेवलपमेंट होने के बाद किस पार्ट से मॉडिफाई होकर के फ्रूट का निर्माण होता है? तो वो ओवरी के डेवलपमेंट से होता है। सातवां सवाल है, सीड कोट का डेवलपमेंट किससे होता है? तो सीड कोट का डेवलपमेंट जो है वह आउटर इंटेग्यूमेंट से होता है। पोलन, आठवां सवाल है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है? पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है कहाँ पर? तो पोलन ग्रेन्स जो है वह एंथर में बनता है। नवां सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़ा होता है, यानी कि ओव्यूल जो है वह प्लासेंटा से जुड़ा होता है किस स्ट्रक्चर के द्वारा? तो वह हाइलम के द्वारा जुड़ा होता है। दसवां सवाल है, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वह कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में होता है। ग्यारहवां सवाल है कि फूल यानी कि फ्लावर का सबसे मेन काम क्या होता है? मेन फंक्शन, सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो फूल जो है वह रिप्रोडक्शन में मदद करता है, डेकोरेशन या फ्रेग्रेंस जो है वह सेकेंडरी काम है। तो फूल का मुख्य काम रिप्रोडक्शन में होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस निर्माण करता है। बारहवां सवाल है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस किस चीज़ का निर्माण करता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तेरहवां सवाल है, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहलाता है, यानी कि स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का जाना क्या कहलाता है? तो उसका है वो पॉलिनेशन कहलाता है। चौदहवां सवाल है, पोलन ग्रेन्स कहाँ जर्मिनेट करता है? तो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर जाता है पॉलिनेशन के बाद तो स्टिग्मा पर ही जर्मिनेट होता है। पंद्रहवां सवाल है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि ज़्यादा बेनिफिशियल, कम बेनिफिशियल, हार्मफुल और रेयरली। तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेनिफिट देता है किस मामले में? तो उससे नए तरह के प्लांट बनते हैं। मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट में कितने सेल होते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि 7 सेल होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस चीज़ को रोकता है? निम्न में से
किसको रोकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना? यदि प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो किस चीज़ को रोकेगा? तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में कितने सेल होते हैं? 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में कितने सेल होते हैं। तो एक पॉलन ग्रेन्स में 3 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जेनरेटिव सेल। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक सस्पेंसर में कितने सेल होते हैं? सस्पेंसर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान बनता है, जिसमें 4 से 8 सेल या कहीं 6 से 10 सेल लिखा रहता है, तो उतने सेल होते हैं। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलन ट्यूब का निर्माण कौन करता है? तो पॉलन ट्यूब का निर्माण पॉलन ग्रेन्स के वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो ये 20 सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी से सवाल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित और जो सवाल हो या जो मॉडल पेपर हो उसकी जानकारी आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।